भाई साहब सुरंग सी है दोस्तों, देखो आप लोग देखो वो जेसीबी भी काम कर रही है इसमें मिट्टी निकालने का, और इस पर फ्लोरी मतलब कि इसका जो क्या फाउंडेशन बनाया जा रहा है नीचे, फिर इस पर बॉल बनाए जाएंगे दोस्तों। देखो कितनी ज़मीन के अंदर है दोस्तों, ये बहुत काफ़ी दोस्तों यहाँ पर ये देखो ज़मीन के 80 फुट नीचे इसमें RRTS दौड़ेगी जो अंडरग्राउंड टनल बनाई जा रही है, और आगे आप लोगों को मेरठ सेंट्रल का स्टेशन देखने के लिए मिलेगा आगे। देखो दोस्तों ये अंडरग्राउंड टनल का ही काम किया जा रहा है। ये सारे में अंडरग्राउंड टनल ही काम किया जा रहा है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को अंदर अंडरग्राउंड टनल का काम दिखाया किस तरीके से काम किया जा रहा है दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा। और आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस देखो के बसंत के चैनल पर। सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब, आइए आप अच्छे होंगे, मैं के बसंत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूँ दोस्तों। यह है देखो सुपर टैक स्मार्ट बाजार फॉट्रिक्स मॉल, देखो किस तरीके से यहाँ पर ये सेटिंग लगा दिया, और इस पिलर में आप कंक्रीट भरा जाएगा दोस्तों जो ऊपर उठाया जाएगा, और यहाँ पर ये बीम डाल दिया है, और बीम डालने के बाद में इसे साइडों से कनेक्ट कर दिया जाएगा जैसे कि ये वाला पिलर किया गया है दोस्तों। और यहाँ पर ये लॉन्चर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा जो कि शताब्दी नगर स्टेशन के लिए जा रहा है करता हुआ दोस्तों। देखो ये रहा लॉन्चर जो कि इस एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में ये बायोडक्ट को कनेक्ट करेगा दोस्तों, जो कि अभी इन्होंने लॉन्च किया है। अब यहाँ पर ये सेगमेंट लाए जाएंगे फिर उठाए जाएंगे, इस बायोडक्ट को कनेक्ट किया जाएगा दोस्तों। तो ये है नज़ारे यहाँ के, ये देखो चलते हैं आगे दिखाते हैं चल के ब्रह्मापुरी RRTS का स्टेशन दोस्तों। सामने देखने के लिए मिलेगा आप सभी को लॉन्चर जो कि बायोडक्ट को कनेक्ट कर रहा है, और ये ब्रह्मापुरी का स्टेशन आगे स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। देखो काफ़ी लंबा चौड़ा ये आप लोगों को लॉन्चर देखने के लिए मिलेगा, एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट करता हुआ जा रहा है दोस्तों। बायोडक्ट को किस तरीके से कनेक्ट करता है देख सकते हो, कितना लंबा चौड़ा ये लॉन्चर है दोस्तों, देखो आप लोग। और यहाँ से ये डबल पिलर स्टार्ट हो जाते क्योंकि बीच में ये रोड चल दिया, और इस वजह से यहाँ पर ये डबल पिलर दिए गए हैं दोस्तों। और ये है ब्रह्मापुरी RRTS का स्टेशन, लेकिन इस पर भी आप लोगों को बता दूं कि रैपिड रेल नहीं रुकेगी क्योंकि ये मेरठ मेट्रो के लिए ही है दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर ये गाटर लॉन्चिंग की जा रही है दोनों साइडों में, देखो ये दोनों साइडों में गाटर लॉन्चिंग की जाएगी क्योंकि इसे बनाया जाएगा किसके लिए, मेरठ मेट्रो के लिए दोस्तों। देखो गाटर लॉन्चिंग होना स्टार्ट हो गई है, यहीं रोक लो एक मिनट के लिए, यहीं रोक लो एक, हाँ
बताता हूँ। देखो दोस्तों, ये ब्रह्मापुरी के स्टेशन से पहले देखो यहाँ पर ये गाटर लॉन्चिंग स्टार्ट कर दिया इन्होंने। ये देखो डबल पिलर के ऊपर देखो लॉन्चर, वो वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा आप सभी को, जो कि ये आरओबी को क्रॉस कर रहा है दोस्तों। और देखो यहाँ पर ये आप लोगों को ब्रह्मापुरी का स्टेशन वो आगे देखने के लिए मिलेगा। देखो सारे में ये जो बीम डाल के और इनको बीम को कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है। अब इन पर गाटर लॉन्चिंग करेंगे दोस्तों, गाटर लॉन्चिंग इस पर किया जाना है, जैसे कि पीछे गाटर लॉन्चिंग इन्होंने की है दोस्तों। देखो किस तरीके से यहाँ पर ये गाटर लॉन्चिंग की है इन्होंने, देखो सेटरिंग ये लगी हुई है, अब ये कनेक्ट किया है इसको। तो चलते हैं और आगे दिखाते हैं चल के आप सभी को कि आगे किस तरीके से ये ब्रह्मपुरी के स्टेशन को बनाया जा रहा है दोस्तों। क्योंकि इसमें आपको बता दूँ कि इसमें 3 लाइन होने वाली है। ये तो मेट्रो में, ये तो मेरठ मेट्रो के लिए ये वाली लाइन होने वाली है। बीच का जो बायोडक्ट है वो रैपिड रेल का होने वाला है। उधर भी आपको बता दूँ किसका होने वाला है दोस्तों, हैं, मेरठ मेट्रो जो चलाई जानी है दोस्तों, ये सारे मेरठ मेट्रो के ही आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। क्या स्टेशन देखो सारे में ये बीम लगा कर और बीम को अब कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है। सेटिंग देखो लगी हुई है, अब सेटिंग उतारी जाएगी। इस पर तो काम कंप्लीट हो गया, इस पर भी हो गया है, लेकिन जो स्टेशन के बगल वाला है उस पर काम किया जा रहा है, उस पर अभी ये बचा हुआ है दोस्तों। देखो आप लोग तस्वीरें अब किस तरीके से काम कर रहे हैं, चलो आप लोग एक बार देख लो ध्यान से। देखो ब्रह्मापुरी के स्टेशन पर देखो साइडों में, दोनों साइडों में ना मेरठ मेट्रो के लिए ये बायोडक्ट को बनाया जा रहा है। देखो वो सेटिंग लगी हुई है दोनों साइडों में, और जो बीच का बायोडक्ट होगा दोस्तों वो होगा रैपिड एक्स का, ये रैपिड रेल का होने वाला है बीच वाला बायोडक्ट दोस्तों। और जो साइडों का बायोडक्ट होगा वो होगा मेरठ मेट्रो का दोस्तों। देखो कुछ ये है नज़ारे यहाँ के, और आप लोग बता ही सकते हो कि क्या नज़ारा है यहाँ पर। ये देखो आप लोग कि किस तरीके से ये बायोडक्ट को जोड़ने का काम किया जा रहा है, आप लोग देख सकते हो तस्वीरें अपनी आँखों से किस तरीके से ये बायोडक्ट को जोड़ रहे हैं। आप लोग देखो कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं लाता रहता हूँ और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ दोस्तों। देखो वो लिखा हुआ है ब्रह्मापुरी स्टेशन, ठीक है दोस्तों। देखो आप लोग तस्वीरें, और आप लोग बताओ कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। तो चलिए चलते हैं आगे और फिर आप लोगों को दिखाते हैं चल के। देखो दोस्तों ये है ब्रह्मापुरी RRTS का स्टेशन दोस्तों, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो कि अभी देखो यहाँ पर भी ये एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में बीम डाला जाएगा दोस्तों, ठीक है। इधर भी काम नहीं हुआ है, यहीं रोकना एक मिनट के। देखो इस तरीके से ये ब्रह्मापुरी का RRTS के स्टेशन बनाया जा रहा है दोस्तों। ये देख सकते हो पिलर के ऊपर इधर भी बायोडक्ट बनाया जा रहा है, उधर भी बायोडक्ट बनाने का काम चल रहा है दोस्तों। और जो बीच में है वो RRTS दौड़ेगी दोस्तों। तो यही चल रहा है ब्रह्मापुरी RRTS के स्टेशन का काम दोस्तों। देखो एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में ये गाटर डाला जाएगा, ये देख सकते हो आप लोग, ये गाटर जैसे उधर गाटर डाले गए ना वैसे इधर भी डाले जाएंगे। तो चलते हैं और आगे दिखाते हैं चल के दोस्तों। अब यहाँ से चलते हैं दोस्तों आगे, और आगे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर मेरठ सेंट्रल का काम नीचे अंडरग्राउंड ये मेट्रो हो जाती है दोस्तों। RRTS अंडरग्राउंड आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। तो चलते हैं और आगे दिखाते हैं चल के। देखो यहाँ पर ये टीम लगी हुई है LNT की, देखो इस बीम को डाल के और फिर इसको कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो आप लोग, ये सारे बीम अब इन पर गाटर लॉन्चिंग की जाएगी। और देखो एक लॉन्चर यहाँ देखने के लिए मिलेगा, देखो ये जो बढ़ रहा है ब्रह्मापुरी स्टेशन की साइड में दोस्तों। देखो बायोडक्ट को किस तरीके से कनेक्ट करता हुआ आ रहा है, तस्वीरें देख सकते हो NCRTC, और इस पर जो कंपनी वर्क कर रही है वो है दोस्तों LNT। देखो सेफ्टी वायर है, देखो ये रखी हुई है, देखो ये सेफ्टी वायर है, इसी के थ्रू जोड़ा जाता है। देखो सारे में ही अभी बायोडक्ट को जोड़ने का काम किया गया था। देखो यहाँ से ये अंडरग्राउंड टनल स्टार्ट हो जाती है, यानी कि मेरठ सेंट्रल के अंदर दोस्तों। देखो यहाँ पर ये लॉन्चर लगाया गया था,
यहाँ से इस बायोडक्ट को कनेक्ट करता हुआ जा रहा है और यहाँ से ये हो जाता है टनल का पार्ट स्टार्ट, जिस पर पैराफिट वॉल बनाने का काम किया जा रहा है। देखो ये सेटिंग लगी हुई है, तस्वीरें देख सकते हैं। ये पैराफिट वॉल का जो सरियाओं का जाल है वो इन्होंने बना दिया है। देखो अब इस पर कॉन्क्रीट भर के और इसको जोड़ दिया जाएगा दोस्तों। ये मेरठ सेंट्रल के अंदर ही है दोस्तों। देखो यहाँ से ये रैंप स्टार्ट हो जाता है अंडरग्राउंड का। देखो ये सारी बॉल, बाल बना दिए हैं दोस्तों, देख सकते हैं। ये देखो सारे में ही टीम अभी नज़र आएगी आप सभी को काम करते हुए दोस्तों। और जो यहाँ पर अंडरग्राउंड टनल के जो कंपनी वर्क कर रही है वो है एफ कौन सी दोस्तों। आपने देखा कि ब्रह्मपुरी स्टेशन और ये मिरर सेंट्रल में किस तरीके से टनल बनाई जा रही है। आप लोगों को मज़ा आया नहीं आया? ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में आप सभी से।